श्री हेमकुंड साहिब और लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के कपाट गुरुवार को अपराह्न के 1 बजे शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। हेमकुंड साहिब के कपाट बंद होने के दौरान सैकड़ों सिख श्रद्धालुओं का जत्था अंतिम अरदास का साक्षी बना। हेमकुंड साहिब के कपाट बंद होने की प्रक्रिया सुबह से प्रारंभ हो गई थी। गुरुद्वारा प्रबंधक सेवा सिंह ने बताया कि प्रातः 10 बजे सुखमणि साहब पाठ और शबद कीर्तन के पश्चात साल की अंतिम अरदास तथा गुरु ग्रंथ साहिब का हुक्मनामा पढ़ने के बाद पंच प्यारों और सेना के इंजीनियरों कोर की बैंड की अगुवाई में गुरु ग्रंथ साहिब को सतखंड लाया गया। तत्पश्चात दोपहर 1 बजे गुरुद्वारा के कपाट बंद किए गए। हेमकुंड साहिब की यात्रा इस वर्ष 25 मई को प्रारंभ हुई थी। इस वर्ष 1.84 लाख श्रद्धालुओं ने श्री हेमकुंड साहिब के दर्शन किए। चमोली से संदीप कुमार की रिपोर्ट।